हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 3 ट्रिप का, और थर्ड डे में हमारा जो प्लान है ना, काफ़ी ज़बरदस्त वाला प्लान है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आज हमारा जो प्लान है, आज हम मुन्नार से निकल के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो है कोडाईकनाल, जो कि यहाँ से अराउंड 170 किलोमीटर है। और जो रूट है ना, मतलब खतरनाक वाला रूट है, काफ़ी ज़्यादा घाट सेक्शन मिलेगा यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा गाड़ी चलाने के लिए, और आपको भी देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, और वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाओ। और बाकी अपना पूरा पलटन यहाँ पर है, देखो सब लोग यहाँ पर है अभी, और यहाँ से हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अपना पूरा गेटअप में हम लोग अपना सूट बूट में आ गए हैं अभी। सो चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप भी आने लग गया है। और ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को बाय बाय करने का टाइम आ गया, अंकल को बाय बाय करने का टाइम आ गया। अगर आप मुन्ना रह रहे हो तो मेक श्योर कि आप लीज मेरी कासा में आ रहे हो। इसका जो सर्विस है ना, काफ़ी अच्छा सर्विस है, और जो खाना तो मतलब मत पूछो भाई, इतना अच्छा खाना है यहाँ पर। उनका ओनर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छा सर्विस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वो दोनों ही अच्छे लगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, और मिलते हैं जाके कहाँ पे पता है आपको, ऑन द रोड। सो स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। सो हम लोग आके पहुँचे अभी रिपल वाटरफॉल। तो ये देखो क्या मस्त वाला व्यू है रिपल वाटरफॉल का। सो ये है रिपल वाटरफॉल का एंट्रेंस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रेन 10 रुपीज़, अडल्ट 20 रुपीज़, फिल्म शूटिंग 2000, एल्बम शूटिंग 1000, एंड कैमरा का 20 रुपीज़। सो यहाँ पे टिकट विकेट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर रिपल वाटरफॉल के लिए। सो हम टिकट कर लिए, और यहाँ से हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। इसको मतलब काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, देखो। काफ़ी बढ़िया मेंटेन किए हैं उसको अभी। यहाँ पर अगर आपको जिप लाइन करना है तो आपको जिप लाइन भी मिल जाएगा। ये रहा जिप लाइन। ये है लोटस पॉन्ड, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था, ये लोटस पॉन्ड है। लोटस पॉन्ड एटा। सो दिस इज़ द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द वाटरफॉल। तो वहाँ से आप देख पा रहे होंगे ऊपर से पानी आ रहा है, बहते हुए इधर से देख के मतलब उस तरफ से जा रहा है। तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। अभी मेन जो वाटरफॉल है वो वहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा नीचे, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो उसका रूट यहाँ से है, तो चलो फिर चलते हैं पहले वाटरफॉल की तरफ और आपको दिखाते हैं। सो हम लोग अभी वाटरफॉल के तरफ जा रहे हैं। आपको अगर बाथ लेना है, आप यहाँ पे बाथ ले सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे हैं अभी। और ये है हमारा वाटरफॉल, क्या गजब का लग रहा है ना। चलो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं अभी वाटरफॉल। सो ये है हमारा रिपल वाटरफॉल। अभी हम लोग आके इसके पास पहुँचे हैं, और मतलब अगर बोला जाए तो काफ़ी सही वाटरफॉल है, काफ़ी अच्छा है। और इसका जो वाटर फ्लो भी है, ऐसा नहीं है कि कम पानी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी भी इसमें आ रहा है। चलो एक बार चलते हैं, नीचे चलते हैं, और नीचे जाके आपको दिखाते हैं ये सब व्यू। यहाँ पर लोग जो नहा रहे हैं अभी आराम से, तो वहाँ तक जाके एक बार आपको दिखाते हैं। अगर आपको यहाँ पर बात लेना है तो आराम से आप बैठ के आप यहाँ पर बात ले भी सकते हो। वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग वहाँ पर अभी बात ले रहे हैं, नहा रहे हैं। तो अभी चलो वहाँ पर थोड़ा जाते हैं, पानी के साथ थोड़ा खेलते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐसे निकलते हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो ये वाटरफॉल है।
और ये है बाथिंग एरिया। यहाँ पे और एक भी वाटरफॉल है, जो मेन फॉल है उसका पानी गिरते हुए यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए आप देखोगे मेन फॉल वो पीछे है और ये उसका और एक मतलब वाटरफॉल एक्सटेंशन पानी यहाँ तक आ रहा है। मैं टारगेट कर रहा हूँ वो जो एंड है वहाँ तक जाने का, मुझे उसका एक बार व्यू देखना है मतलब कैसा व्यू आ रहा है। बट सही में बोलूँ पाँव काफ़ी ज़्यादा जल जा रहा है यहाँ पर, मतलब इतना ये सब पत्थर जो है ना इतना गर्म है ना। जूता पहन के आना था रे भाई, उससे बचने के लिए क्या करना है उसे लेके पानी में थोड़ा थोड़ा पाँव डुबा लो, एटलीस्ट थोड़ा तो राहत मिलेगा। फॉल जा कहाँ से रहा है वो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ से रास्ता है क्या जा तो सकते हैं, बट थोड़ा रिस्की है। कोई बात नहीं, अपने लिए सब इजी है। सो ये देखो ये है फॉल्स। तो वो जो ऊपर है वो है मेन फॉल, उसके बाद ये वाला मैं अभी पार करके आया। तो यहाँ से ऐसे घूम के आया मैं और यहाँ पे देखो और एक आपको बड़ा वाला वाटरफॉल है। फिर उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो वहाँ तक जा रहा है, फिर पानी वहाँ से भी मतलब पूरे ऐसे नीचे तक जा रहा है। तो एटलीस्ट वहाँ तक तो अभी जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और हमारे पास टाइम नहीं। तो यहाँ तक एक बार जाने का ट्राई करता हूँ मैं कैसा है। अगर मैं सही में बोलूँ ना, अगर कोई मतलब अच्छा प्लेस है तो ये है रिपल वाटरफॉल है इसका नाम। और इसका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी मतलब ज़बरदस्त वाला इसका एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस वाटरफॉल को घूमने के लिए। बट एक ही दिक्कत है, यहाँ पे पाँव पूरा जल जा रहा है। तो पाँव को बचाने के लिए थोड़ा बहुत पानी में लेके उसको ऐसे डुबा लो ताकि थोड़ा तो मतलब चेन का राहत मिलेगा हमको। और ये सब देख लिए तो यहाँ से अभी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि अभी हमें जाना है कूड़ाई कैनाल और हमारा ऑलरेडी यहाँ पे एक बज चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो चलो फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और पहुँचते हैं जाके नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो सी यू गाइस देयर। तो जल्दी यहाँ से एक बार निकलते हैं। अब बाबा फिर से पाँव जल गया रे, पानी में डुबाना होगा। और ये पानी भी ना मतलब ज़मीन में रह रहे के गर्म हो चुका है। ऊपर से जो पानी आ रहा है वो तो ठंडा है बट यहाँ का जो पानी है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है पानी अभी। तो चलो अभी जल्दी यहाँ से निकलते हैं एक बार, बाकी सब भी मेरा वेट कर रहे हैं अभी। सो हम लोग आके अभी पहुँच चुके हैं ऊपर। हम लोग वाटरफॉल से रिटर्न कर चुके हैं और यहाँ पे अपना गाड़ी वाड़ी सब रख के गए थे। तो यहाँ पे पार्किंग के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं अभी। डायरेक्ट जाके अभी चलते हैं कोड़ाई कैनाल। सो यहाँ से जल्दी निकलते हैं फिर उसके बाद जाके मिलते हैं।